गाइस ये लिफ्ट कौन से नशे करते पता नहीं यार, वापस से नीचे गई इस फ्लोर से फिर ऊपर आ रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। फिलहाल सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं यहां पे बाहर खड़ा हूं गैलरी में, क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया है और मुझे थोड़ा पसीना आ जाता है नहाने के बाद, तो फिर मैं थोड़ी हवा में खड़ा रह जाता हूँ ताकि वो पसीना थोड़ा सा मतलब बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाए। और बस आज घर पे तो हम दोनों ही हैं, मैं और पारे, जैसा कि आपको पता होगा सुनील और मम्मी तो नहीं है घर पे। धर्मपत्नी जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सुबह सुबह, और आज भी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा है ना जुकाम है अभी, तो थोड़ी सी खांसी आ रही है और छींके भी आ रही है, तो मैंने सोचा आज के दिन नहीं जाते, कल और परसों जाऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। पायल मेरा पॉकेट किधर रखा है? इधर है भाई, चलो चलो दूध लेके आता हूँ। और गाइस बता दो, हम भी घर जाने वाले हैं जल्दी। मैंने लीव्स के लिए अप्लाई कर दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि अगला महीना पूरा वर्क फ्रॉम होम करूँ घर से, तो देखते हैं क्या होता है। मैनेजर साहब क्या बोलते हो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। भैया दूध एक गोकुल दे। घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगले महीने पहले वीक में तो दशहरा है, दूसरे वीक में कुछ नहीं है, तीसरे वीक में हमारी एनिवर्सरी है और चौथे वीक में दिवाली है, तो इतना आना जाना तो मुझे नहीं लगता है ठीक रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही दे दो ताकि मैं पूरा महीना घर पे रहूँ। दूध हाजिर है, चाय बना लो। गाइस 9:15 बज रहे हैं, अपना 9 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, 9:15 बजे मीटिंग रहती है, तो पायल जल्दी से बना दो यार, और कुछ ऐसा गर्मा गर्म बनाओ, सूप बना दो, जल्दी बनाओ, मतलब कैसा मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा ना, जुकाम होता है ऐसे गर्म गर्म चीजें खाने में जो मजा आता है ना। तो गाइस आई थिंक ये सूप बना देगी पायल, क्या नाम है इसका, खोरक खोरक क्या नाम है, नूर। कल के गुलाब जामुन कैसे है पायल, ठीक है ना? चलो भाई मैं फटाक से अपना तब तक काम रेडी कर लेता हूँ, अपना लैपटॉप वगैरह। तो गाइस मेरा सुबह सुबह काम ये रहता है कि कल जो मैंने काम किया है ना उसके लिए कितने घंटे मैंने लगाए हैं वो अपडेट करना होता है, तो वो काम मेरा बचा है तो अभी वो अपडेट कर देता हूँ। मतलब हमारा डेली के आवर्स डिफाइन होते हैं कि आप इतने घंटे काम कर रहे हो तो उसमें से ये घंटे में क्या किया आपने, मतलब जो 8 घंटे थे उससे आपने क्या किया, तो ये ट्रैकिंग के लिए ईजी होता है कि कोई काम है हमारे पास तो उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है अभी, तो वो अभी अपडेट कर रहा हूँ मैं। गाइस गर्मा गर्म सूप रेडी है और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पहले पायल को भी खाना है पर वो बोल रही तुम पहले खा के देखो फिर मैं अच्छा लगा तो खाऊंगे। चाय टाइम दोस्तों। पीने की बहुत आदत हो गई यार, मतलब मैं कभी इतनी चाय नहीं पीता था पर मुझे अब चाय बहुत पसंद आने लगी। पायल मस्त खाना बना रही है और इधर गाने सुन रही है, उसको गाने सुनना बहुत पसंद है। और रोटियां बना दी है और इसमें क्या सब्जी है, अच्छा सब्जी है, मैंने टेस्ट। लाइट्स तो ऑन ही रहते हैं यार, यार ये इसका बटन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लाइट ऑन हो जाते हैं यार। हाँ अभी बंद हो गए सब। अरे देवा। तो गाइज मैं बता दूँ आपको, पायल कल से ये मेथी के पराठे खा रहे हैं, इसको बहुत पसंद आ गए और ये बहुत दिन टिकते भी है पराठे, इसलिए उसने ज़्यादा बना के रखे, उसको मेथी बहुत पसंद है ना। और फिलहाल क्या मेरे ब्लॉग देख रहे हो क्या? गुड। नाश्ते का टाइम हो गया है और पायल पहले भी एक रोटी और। अरे थोड़ा बीमार हूँ ना तो ज्यादा खाने की इच्छा हो रही है मेरी, इसलिए और ऊपर से पायल के हाथ का खाना है हो तो मैं ज्यादा ही खाता हूँ ना, है ना। तो गाइस गर्मा गर्म खाना रेडी है, पायल ने बनाया है और मेरी फेवरेट खिचड़ी बनी है जो मुझे कल ही पता चला मेरी फेवरेट है। पायल ने बनाई थी तब, कल पहली बार खाई और मेरी फेवरेट बन गई ना वो। फिर हाँ टॉन्सिल्स सूज गए थे ना तब मम्मी बनाते थे ऐसी खिचड़ी, तो मैं जब भी बीमार होता हूँ तो ऐसे बनती है खिचड़ी मेरे लिए। और गोभी की सब्जी है, रोटी है, अपना नॉर्मल खाना वाना चल रहा है। कल की बारिश हो रही है गाइस, देख लो उधर ज़्यादा हो रही है आई गेस, इधर थोड़ी कम है। चाय टाइम दोस्तों। वाओ गाइस घर में बैठ बैठ के बोर हो गए तो अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं। लाइट बंद करो भाई। और आज तो दिन भर सोफे पे ही काम कर रहा था भाई, मैं हिला ही नहीं इधर से। इधर मेरी कैश पड़ी है भाई, चिल्ला चिल्ला।
गाइस ये लिफ्ट कौन से नशे करते पता नहीं यार, वापस से नीचे गई इस फ्लोर से फिर ऊपर आ रही है। तो नवरात्रि के जो कलर है उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग कर रहे हैं आजकल। अभी वो इस लिफ्ट पे खड़े थे, ये लिफ्ट आ गई। फिर से ये नीचे गई। मैंने बोला ना गाइज ये लिफ्ट कुछ तो नशे करती है। कौन से नशे करते हो भाई बताओ जरा। और गाइज मैं थोड़े सिक्स पैक लाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, देख लो मेरे सिक्स पैक पेट अंदर। और आज तो काफी तेज बारिश हो रखी है। पायल बोल रही थी बाइक पे जाएंगे, मैंने सोचा चलो जल्दी पैदल ही जाएंगे हम लोग। गुलाब जामुन कितने बचे पता है तुम्हें? कितने गुलाब जामुन बचे होंगे? कल 12 थे, आज 2 खाली, उसके बाद आपने फिर से खाए। कल 12 गुलाब जामुन थे गाइस, अभी मैं एक देख के आया हूँ 6 गुलाब जामुन बचे। किसने खाए होंगे बताओ? देख लो भाई रास्ते में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। अभी यहाँ पे चल के आ गए हम लोग यहाँ पे, अभी कुछ खाएंगे चटपटा पानी पूरी वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पे। गाइज इसमें से क्या ले पायल का है संग, भेड़ की पानी पूरी शिवपुरी। तो गाइज इधर चॉकलेट पानी पूरी भी मिलती है पर आज अवेलेबल नहीं है, तो कौन से ले पता नहीं चल रहा है हमें। मस्त बाहर बैठ जाते इधर खाते, आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग। बारिश आ रही है? अरे ऊपर पेड़ हिल रहा है ना इससे गिर रहे हैं पानी, मुझे लगा बारिश आ रही है। पायल कितना मोबाइल यूज करती रहती हो यार, मुझसे सीखो कुछ। कुछ भी मेरे से ज्यादा आप यूज करती हो, कुछ भी नहीं करती, आप एक टक्का भी नहीं करती। अच्छा पानी पूरी हाजिर है, चलो पानी पूरी खा लेते हैं। अभी हाजिर है शेवपुरी। हाँ। यार इतु इतु सा देते है दही पूरी क्या? कैसी टेस्ट? बकवास है ना। तो शेवपुरी तो हमको पसंद नहीं आई गाइज। अभी यहाँ की स्पेशल भेड़ खाते हैं, उनको बोल के आता हूँ मैं। ये वाली स्पेशल भेड़ एक स्पेशल भेड़ है ना गाइज। भेल तो रेडी है, चलो भेल खा देते हैं अभी। और गाइज हमारे गांव से यहाँ पे डबल रेट से, यहाँ पे मतलब गांव में अगर भेल 20 रुपए को मिलती है ना, यहाँ पे 40 रुपए को है। हर चीज का रेट डबल है ना। हमारा तो खाना हो चुका है अभी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन का टाइम बोल रहा हूँ। तो अभी गुलाब जामुन खाने का टाइम हो चुका है। गर्मा गर्म पोहे रहते है, हाँ सब गर्मा गर्म। तो इसकी वजह से मुझे लगा गुलाब जामुन भी गर्मा गर्म ही है। तो पटक से खा लेते भाई। तो गाइज हमारा वॉकिंग का टाइम और इनका गरबा का टाइम एक ही है, तो अभी जल्दी हमें जाना पड़ता है हम लोगों को। फिर वो बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, लड़कियाँ भी दौड़ रहे हैं उनके पीछे। तो गाइज अभी यहाँ पे घूम रहे थे, एक बच्चे को लग गई, तो उसकी माँ पूछ रही उसको क्या हुआ बेटा क्या हुआ। हमारे यहाँ पे वो बच्चा भी इतना रो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा लग गया उसको। अगर हमारे यहाँ पे होता ना तो बच्चों को लग भी जाता है, फिर घर आके मम्मी फिर से कूट देगी इसके लिए, उधर ही वो सब निपटा के घर चले आते हैं। गाइस अभी घर पे आ गए हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। चलो पायल जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर ब्लॉग्स। बाय बाय। I lay down and I play dead and I stay dead. Baby you get sick of being the